दोस्तों, अब तक तो हम लोग वीडियो डालते थे कि हम लोगों का बैठ जाओ अब तक तो हम लोग वीडियो डालते थे कि हम लोगों का जो मकान टूट रहा है, ये टूट रहा है, वो टूट रहा है। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो बनाने में भी बहुत अफसोस हो रहा है। क्या कहें, कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। रात के दोस्तों करीब 10:30 बज रहे हैं, यही दुकान है और हम लोग दोस्तों इस दुकान में आज 10 साल से। इस दुकान से अपने लड़के की शादी किए हैं, लड़के की शादी किए हैं। जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबत आई है, इसी दुकान ने हमको संभाला है। बहुत गर्व करते थे हम इसके ऊपर। कोई भी काम होता था, सरिता मैडम बहुत दुखी थी। हम इनको कह रहे थे मतलब ज़्यादा दुखी मत हो, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा मतलब हम तो बैठते थे 24 घंटे। आज हम लोगों का आखिरी दिन है दोस्तों। आप ये दुकान भी टूट रही है हम लोगों की। दोस्तों, हमको वार्निंग मिला है कि कल दुकान ये खाली कर दो, नहीं खाली करोगे 11 बजे तक सुबह तो बुलडोजर आएगा तोड़ देगा। तो दोस्तों, अब घर तो घर टूटा, अब दुकान भी टूट रहा है। पैसे की बात नहीं है, इस दुकान से बहुत प्यार हो गया था। कोई भी इंसान कहीं भी 10 साल बिताएगा, ये तो पता था इतनी जाना है, सरकारी जमीन है। लेकिन मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं पता था कि कल के कल खाली कर दो। सरकार भी अगर करता ना तो भी 4 दिन 1 हफ्ते का मौका देता, नोटिस देता। लेकिन दोस्तों, वो हमको 2-4 दिन का भी मौका नहीं देता। गरीब की कोई नहीं सुनता। जिसके पास पैसा है, जिसकी पहुंच है, उसकी सब लोग सुनते हैं। कोई अगर हम लोग बड़े यूट्यूबर रहते ना, कितनी हेल्प मिलता कितना। लेकिन आप देख लिए कि कोई किसी का होता नहीं, गरीब लोग का कोई जगह नहीं है। हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, कहीं भी दुकान खोलेंगे। लेकिन ये वक्त हम भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। ये तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जब तक सांस रहेगा तब तक। बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे आदमी की ये समझिए, कोई आदमी सर्विस कर रहा, उसकी नौकरी छूट जाए, सस्पेंड हो जाए, घर टूटने का। दोस्तों, हम लोग तो सामान खाली किए, हमारे घर से फोन नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं। इस दुकान से सबकी मदद की, किसकी मदद नहीं की, जो सबकी इसी दुकान से मदद की। जो मर रहा था ना, उसके लिए दिए हैं पैसा। मेरा पैरवा पकड़ कर रो रहा था। लेकिन आज यही दुकान टूट रही है। कोई फोन करके किसी का जान जा रहा था, तो हम जान बचाए इसी के दुकान के बदौले। ठीक है, बातें आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों, आप लोग हमारी हर चीज से जुड़े रहते हैं। आप लोग तो हैं, आप लोग से नहीं कहेंगे तो किससे कोई कहेंगे? तो सुनता नहीं, कम से कम आप लोग तो सुनते हैं हमारी बातें, सुनते हैं, कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अपना सा लगता है कि कोई अपना सुना और हमको कोई राय दिया। तो दोस्तों, आप लोग अपना प्यार मोहब्बत दुलार बनाए रखिए। कामयाबी तो हमें जरूर मिलेगी, आज नहीं कुछ दिन के बाद मिलेगी। लेकिन सबक मिल गया दोस्तों। और एक बात और है, ये दुकान टूट रही ना, जितना हम लोगों को दुख है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको खुशी भी होगी, क्योंकि जलते थे वो लोग कि कैसे इतना कमाता है, कैसे इतना कुछ करता है। क्या नहीं किए इस दुकान से हम, बहुत कुछ किए हैं। तो देखिए, ऐसे नहाने की व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था था, टूट गया मकान, टूटा था। सोच रहे थे मकान कहीं ना कहीं ले लेंगे, दुकान है, इसी से कमा के किराया दे देंगे। लेकिन मकान के साथ साथ दुकान भी चली गई। अब कहाँ कमाएंगे, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ रहेंगे,
कोई ठिकाना नहीं अभी तक। कल 11 बजे वार्निंग मिली है कि दिन में 11 बजे। अब दोस्तों आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं, इधर उधर जुगाड़ में घूम रहे थे, कहीं कोई जुगाड़ नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास सोर्स नहीं है। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद अपना मकान अपने हाथों से तोड़ेंगे और आप लोग देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर ना यही तकलीफ किसी और को रहता ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग रात बिरात चले जाते थे। कोई फोन करके पूछने नहीं वाला है, नहीं कोई पूछा कि भैया हो, भाभी हो, बाबू हो, बेटा हो, दोस्त हो, कि कैसे मुसीबत में हो, क्या तुम्हारे साथ जो पैदा किया है ना, ये दिन याद रहेगा, नहीं फोन किया ये दिन याद रहेगा कि मेरा बेटा बहू कैसे है। ठीक है ठीक है, ये वीडियो हम इसलिए बना कर रख रहे हैं कि ये हमको याद रहेगा, लेकिन मैं जिंदगी में कभी भविष्य में कभी भूलूंगी नहीं जैसे हम लोग की कहानी हो गई है। ठीक है दोस्तों, जब तक इसके साथ हम हैं, दुकान एक ने 1000 टूट जाए इसको हम दुख नहीं आने देंगे, लेकिन दुख हमको खुद हो रहा है। दुकान टूटने ज़्यादा दुख इसीलिए हो रहा है, कोई अपना मुझे हमें पूछ नहीं रहा है। अब विनोद ऐसे नहीं रहेंगे, बदलेंगे, सबका समय आता है, मेरा भी समय आएगा। अगर वही हम लोग के पास अगर पैसा कहीं से आता, वीडियो बना के डाल देते, हजारों लोग का वीडियो फोन आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, चलते हैं। कोई किसी का नहीं होता, भगवान है ना, आप लोग हैं ना, प्लीज प्यारा प्यारा कमेंट करके आप लोग कम से कम पढ़ के